So welcome back. So up till now, in the last presentation we have seen the content of this particular design of machine elements unit number 1, spur gears. इसमें हमने पहले टर्मिनोलॉजी देखा है स्पर गियर का और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस. उसके बाद हमने देखा फोर्स एनालिसिस फॉर द स्पर गियर. देन वी हैव सीन द हाउ फेस विड्थ इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट रेंज इट इज टू बी देयर एंड व्हाट आर द बेसिक गियर फेल्यूर मोड्स. सो गियर फेल्यूर एंड बेंडिंग फेल्यूर. तो उसके बाद में हमने देखा कि बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन हम उसका कैसे निकाल सकते हैं कि उसके एजम्पशंस क्या है और हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ बीम स्ट्रेंथ. सो हमें मिला था इक्वेशन ऑफ बीम स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू बी इंटू एम इंटू वाई, जहाँ पे ये सारे टर्म सिग्मा बी बी एम और वाई क्या है ये सब हमें देखा. तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज वियर स्ट्रेंथ ऑफ द गियर टूथ. सो द फेलियर ऑफ द गियर टूथ ड्यू टू पिटिंग ऑकर्स व्हेन द कॉन्टैक्ट स्ट्रेस बिटवीन द टू मेशिंग टीथ एक्सीड्स द सर्फेस इंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स. यानी जब आपको पता है कि दोनों गियर्स पिनियन एंड गियर देयर टीथ्स आर पुटिंग प्रेशर ओवर ईच अदर. यानी जब पिनियन पावर ट्रांसफर करता है गियर को तो उसके जो टीथ्स होते हैं पिनियन के वो गियर के टीथ के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं. तो जब भी फोर्स एग्जर्ट करेंगे और फोर्स रिलीव करेंगे एग्जर्ट करेंगे और रिलीव करेंगे. सो जब भी गियर टीथ्स का जब भी कॉन्टैक्ट होगा तो वो प्रेशराइज होंगे और जब कॉन्टैक्ट रिलीव होगा तो स्ट्रेसेस रिलीव होंगे. तो इस तरह से रिपीटेडली कंप्रेशन रिलैक्सेशन टाइप का स्ट्रेसेस उसके प्रैक्ट होता है. तो उस तरह से एक टाइप का फटिक लोडिंग उसके प्रैक्ट होता है जिसकी वजह से उसका सरफेस जो है वो डिटोरेट होता है या फिर उसके ऊपर स्मॉल अमाउंट ऑफ पिट्स आर बिंग फॉर्म. तो उसके सरफेस का मटेरियल एक्चुअली रिमूव होने लगता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नथिंग बट द वियर. तो वो वियर स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. सो वियर स्ट्रेंथ इक्वेशन इज डी पी इंटू बी इंटू क्यू इंटू के, वेयर डी पी इज द डायमीटर ऑफ द पिनियन, बी इज द फेस विड्थ ऑफ द पिनियन और गियर, क्यू इज द रेशियो फैक्टर बिटवीन द पिनियन एंड गियर एंड के इज द लोड स्ट्रेस फैक्टर. यहाँ पे डी पी क्यू यूज़ क्यों है, क्योंकि डायमीटर ऑफ पिनियन ऑलवेज छोटा होता है और डायमीटर ऑफ गियर बड़ा होता है. तो जब भी ये गियर और पिनियन रोटेट होंगे तो डेफिनेटली डायमीटर ऑफ पिनियन का, जैसे गियर रेशियो अगर 4 है तो इसका एक रिवोल्यूशन जब डायमीटर ऑफ गियर का होगा, यानी गियर का एक रिवोल्यूशन होगा तो पिनियन के 4 रिवोल्यूशन होते हैं. इसका मतलब डायमीटर ऑफ पिनियन इज हैविंग मोर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वियर. तो पिनियन डायमीटर को ज़्यादा से ज़्यादा वियर होगा, इसलिए हम यहाँ पे वियर स्ट्रेंथ जो है वो डायमीटर ऑफ पिनियन वहाँ पे कंसिडर करते हैं. और फेस विड्थ पिनियन और गियर का जनरली सेम होता है, सो दैट विल बी कंसिडर हियर. और रेशियो फैक्टर ये कंसिडर कर रहा है नंबर ऑफ टीथ बिटवीन पिनियन एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर. गियर और पिनियन के टीथ्स का रेशियो है ये. सो यू कैन सी दिस क्यू इज डिफाइंड एज 2 × ZG / ZP. अगर दोनों गियर एक्सटर्नली मेशिंग है तो 2 × ZG / ZG + ZP. अगर ये दोनों इंटरनल गियर अगर है, यानी पिनियन एंड गियर हैविंग इंटरनल गियर, सो दैट रेशियो इज 2 × ZG / ZG - ZP. सो यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन है, दैट इज ओनली द डिफरेंस. जो है लोड स्ट्रेस फैक्टर, जो लोड स्ट्रेस फैक्टर डिपेंड होता है मटेरियल के बी एच एन ऊपर, उसका हार्डनेस कैसा है उसके ऊपर. सो दिस इज गिवन बाय 0.16 × BHN/100 ब्रैकेट स्क्वायर. सो ये इक्वेशन से आपको मिलता है लोड स्ट्रेस फैक्टर. तो इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज इफेक्टिव लोड, क्योंकि जो भी हमें इफेक्टिव लोड चाहिए होता है और जो भी इफेक्टिव लोड एक्ट होता है गियर के ऊपर, उससे हमें हमारे गियर का बीम स्ट्रेंथ या फिर वियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए फेलियर अवॉइड करने के लिए. सो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस इफेक्टिव लोड एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं. सो इफेक्टिव लोड ऑन द गियर टूथ इज द टोटल मैक्सिमम टेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द गियर टूथ. ओके, सो वो जो होता है दैट फोर्स इज बीइंग इंडिकेटेड बाय पी इफेक्टिव. हम इसको इंडिकेट करेंगे पी इफेक्टिव से, विच इज द सम ऑफ स्टैटिक लोड प्लस डायनेमिक लोड. सो स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड में जब इंडिकेटिंग द स्टैटिक लोड एज पीटी मैक्स एंड डायनेमिक लोड एज पीटी. सो पहले हम निकालते हैं कि पीटी यानी टेंशियल फोर्स. तो हमने पिछली बार भी देखा है जब फोर्स एनालिसिस देखा था कि पीटी टेंशियल फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू 2 × TDP, दैट इज नथिंग बट टॉर्क बाय रेडियस. अगर हमें पिनियन के लिए फोर्स निकालना है तो टेंशियल फोर्स, या फिर पावर बाय वेलोसिटी, किसी एक रिलेशनशिप से हम टेंशनल फोर्स निकाल सकते हैं. सो इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टॉर्क डेवलप वैरीज साइक्लिकली विच इज बैलेंस बाय यूजिंग द फ्लाईव्हील्स. सो दीज फ्लक्चुएशन आर एनकाउंटर्ड बाय फैक्टर कॉल्ड एज सर्विस फैक्टर. ओके, तो इस इक्वेशन से जो हम निकालते हैं टेंशनल फोर्स, वो टेंशनल फोर्स आपका रेटेड फोर्स है, बट
देर आर सो मेनी फ्लक्चुएशन, क्योंकि आपका इनपुट में मशीनरी कौन सा है, आउटपुट में मशीनरी कौन सा है, अकॉर्डिंग टू दैट कितने उसमें शॉक्स लोड्स आते हैं, फ्लक्चुएशन कैसे आता है, लोड ग्रेजुअली है या सडनली अप्लाइड लोड्स उसके ऊपर एक्ट होते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट देर आर सर्विस फैक्टर्स. सो लेट अस सी नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय सर्विस फैक्टरीज. सो सर्विस फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम टॉर्क बाय रेटेड टॉर्क. ओके, तो इट इज़ रेशियो ऑफ दिस टू टॉर्क्स और मे बी फोर्सेज, पी टी मैक्स बाई पी टी. ओके, तो अगर हमें पी टी मैक्स निकलना है, ओके, मैक्सिमम टेंशियल फोर्स अगर निकालना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस के मल्टीप्लाई बाई पी टी, यानी टेंशियल फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस सर्विस फैक्टर से, विच इज नथिंग बट के. सो इट मे बी इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क, रेटेड टॉर्क और स्टार्टिंग फोर्स एंड द टेंशियल फोर्स. सो ये इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हम यूज़ करते हैं. सो दीज आर जनरली क्रिएटेड टू अकाउंट फॉर नोन बट अनक्वान्टिफाइड शॉक इन लोड. ओके, कैसा है, कितना है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का, तो इलेक्ट्रिक मोटर का रनिंग जो होगा स्मूथ होगा. अगर हम उसका कंपेयर करते हैं कि सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो इंजन विल बी हैविंग सम शॉक्स, क्योंकि उसमें पावर प्रोडक्ट, पावर का जो स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक के वक्त ही पावर आता है, बाकी की चीज़ों में, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर इज गिविंग कंटिन्यूस सप्लाई, तो इसमें शॉक फैक्टर होगा, तो डेफिनेटली इसका एप्लीकेशन फैक्टर ज़्यादा होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रिक मोटर. जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर हमें कंपेयर करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रनिंग स्मूथली, वाइल इफ देयर इज अ रोड क्रशर, सो डेफिनेटली विल बी हैविंग शॉक. सो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे आपका ड्राइविंग मशीनरी क्या है, आपका ड्रिवन मशीनरी क्या है, यानी गियर बॉक्स आपका अगर बीच में, क्योंकि गियर आर ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर टू सम योर ड्रिवन मशीनरी, तो इनपुट में आपका ड्राइविंग मशीनरी होगा आपका, तो वो आपके इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है, या फिर टरबाइन, या फिर सिलेंडर इंजन हो सकता है, सिंगल सिलेंडर या मल्टी सिलेंडर इंजन. सो अकॉर्डिंग टू दैट ये, और ड्रिवन मशीनरी आपको कौन सा है, यानी उसमें यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर मॉडरेट शॉक्स है, या हैवी शॉक्स है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू सेलेक्ट द एप्लीकेशन फैक्टर. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका कोई मॉडरेट शॉक का एप्लीकेशन है और इलेक्ट्रिक मोटर आपका इनपुट में है, तो यू हैव टू गो दिस वे हॉरिजॉन्टली, ओके, एंड दिस वे वर्टिकली. सो यू विल गेट द वैल्यू 1.25 फॉर दिस एप्लीकेशन फैक्टर ऑन दिस टेबल. ओके, इस तरह से आपको सिलेक्ट करना होता है फॉर योर एप्लीकेशन. उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज कॉल्ड एज लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और लोड कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर. तो दिस फैक्टर अकाउंट्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड अक्रॉस द फेस विड्थ. अभी जैसे हमने जब बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन डिराइव किया, तो हमने ऐसा एज्यूम किया था कि जो आपका टेंशन फोर्स है अक्रॉस द फेस विड्थ यूनिफॉर्मली एक्ट हो रहा है, बट एक्चुअली वो ऐसा नहीं होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है फोर्स. तो उसको कंसिडर करने के लिए हम ये उसका टेंजेंशियल फोर्स और ज़्यादा बढ़ा देते हैं. सो इट इज जनरली 1.3 to 2 टाइम्स, एंड द एक्सटेंट ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन. तो ये किस पे डिपेंड है कि उसका उसका कितना नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो डिपेंड है कि एक्यूरेसी एंड ऑफ अलाइनमेंट ऑफ गियर्स, अपने गियर का अलाइनमेंट कितना एक्यूरेटली किया हुआ है, देन आपकी बियरिंग्स कितने एक्यूरेटली माउंटेड है, या फिर आपकी बियरिंग का क्लियरेंस कितना है, या फिर आपकी इलास्टिक डिफ्लेक्शन ऑफ गियर, शार्ट बियरिंग्स, हाउसिंग्स, ये आप कैसे कंसिडर कर रहे हो, एंड द गियर टूथ मैनुफैक्चरिंग एक्यूरेसी, तो कितने एक्यूरेटली आपका गियर मैनुफैक्चर किया हुआ है. तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिसाइड करने के लिए. तो डेफिनेटली ये जितना आपका रफ एक्यूरेसी होगा, जितने ज़्यादा इलास्टिक डिफ्लेक्शन होंगे, वो फैक्टर ज़्यादा होगा, और जितना एक्यूरेटली आपने डिज़ाइन किया है उसको, जितना एक्यूरेटली मैनुफैक्चर किया है, तो उसकी वैल्यू कम होगी. ओके, सो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ताकि फेस विड्थ जो है हम 8 times to 12 times ऑर्डर में रखते हैं, यानी वो फेस विड्थ ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए. जितनी ज़्यादा फेस विड्थ होगी, उतना डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. तो उसके लिए देखिए, आप यहाँ पे जैसे जितना फेस विड्थ आपको बढ़ता है, उसकी एम की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी आपकी फेस विड्थ कम होगी, उसकी वैल्यू कम होगी. सो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फेस विड्थ हम 10 times ऑर्डर लेते हैं, और अकॉर्डिंगली देन जो भी वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग के एम विल बी देयर, यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम द टेबल एंड दैट यू कैन यूज़ फॉर कैलकुलेटिंग दी स्टैटिक फोर्स. तो जैसे हम देखा अभी हमने कि हमें डिटरमाइन करना है टेबल से वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन फैक्टर, उसके बाद हमें निकालना है लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और ये दोनों मल्टीप्लाई करना है हमारे रेटेड टेंजेंशियल फोर्स के साथ, तो हमें मिलेगा स्टैटिक लोड, मैक्सिमम टेंजेंशियल स्टैटिक लोड विच इज एक्टिंग ऑन पर्टिकुलर गियर टूथ, सो पी टी मैक्स. सो पी टी इज द थियोरेटिकल टेंजेंशियल फोर्स, के इज एप्लीकेशन फैक्टर एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. और इसके बाद देखेंगे हम अभी कि वो डायनामिक लोड क्या होता है और हम कैसे निकाल सकते हैं, विच एक्ट्स ऑन गियर टूथ. सो डायनामिक लोड वी आर डिटरमाइनिंग हियर, विच इज बीइंग यूज अ नोटेशन एज अ पीडी. सो दिस इज इंट्रोड्यूस ड्यू टू इनएक्यूरेसी ऑफ द टूथ प्रोफाइल. टूथ प्रोफाइल में कुछ इनएक्यूरेसीज होगी, यानी एक्यूरेटली आपका प्रोफाइल नहीं बनाया जाएगा, तो उसकी वजह से डायनामिक लोड इंट्रोड्यूस होता है. या फिर आपके टूथ स्पेसिंग में कुछ एरर हो तो भी डायनामिक लोड आता है. या फिर आपकी बिलर बेयरिंग का मिसअलाइनमेंट अगर है, उससे भी डायनामिक लोड आपका
गियर के ऊपर ज़्यादा आएगा। देन इलास्टिसिटी ऑफ पार्ट्स, तो इलास्टिक डिफ्लेक्शन अगर पार्ट्स के है तो डेफिनेटली उससे भी डायनामिक लोड आएगा, क्योंकि ये ड्यूरिंग मोशन ये सारे चीज़ अफेक्ट करेगी। देन इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग मासेस, जो भी रोटेटिंग मास यानी आपके जो गियर्स है उसका जो भी इनर्शिया है उसकी वजह से भी आपका डायनामिक लोड बढ़ेगा। सो इट इज़ अकाउंटेड बाई टू मेथड्स, दो प्रकार की मेथड्स है जिसको यूज़ करके आप इसको अकाउंट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन बाय वेलोसिटी फैक्टर, ओके, और दूसरा मेथड है प्रेसाइज एस्टिमेशन बाय बकिंगहम इक्वेशन। तो हम देखते हैं कि ये डायनामिक लोड का इफेक्ट हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस अप्रॉक्सीमेट मेथड, दैट इज यूजिंग वेलोसिटी फैक्टर। इसमें क्या होता है कि द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द बेंडिंग स्ट्रेसेस, ओके, आर डायनामिक लोड को अफेक्ट करने वाला है आपका पिच लाइन वेलोसिटी, जितना आपका हाई पिच लाइन, लो पिच लाइन वेलोसिटी है कि हाई पिच लाइन वेलोसिटी है, देन आपकी मैन्युफैक्चरिंग की एक्यूरेसी कैसी है, देन आपका कॉन्टैक्ट रेशो कितना है, क्योंकि जैसे हमने एजम्पशन किया था बेंडिंग स्ट्रेस में तो कॉन्टैक्ट रेशो वाज वन, बट एक्चुअली कॉन्टैक्ट रेशो वन नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है, तो एक्चुअली वो कितना है और उसका इफेक्ट आपके डायनामिक लोड के ऊपर होगा। देन आपका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन भी हमने निकलेक्ट किया था, लेकिन उसका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन तो अभी होगा ही, तो उसका इफेक्ट क्या है तो डायनामिक लोड इंट्रोड्यूस करेगा। देन डिग्री ऑफ शॉक लोडिंग, उसकी वजह से डायनामिक लोड बढ़ेगा। एक्यूरेसी एंड रिजिडिटी ऑफ माउंटिंग, आपने कितने एक्यूरेटली माउंट किया हुआ है, कितना रिजिड आपका फाउंडेशन है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गियर्स एंड डिफरेंट पार्ट्स विच आर अटैच्ड टू दैट मेंबर्स। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपके डायनामिक लोड को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज ए वेलोसिटी फैक्टर इज डेवलप्ड बाय बार्थ। सो बार्थ इज अ साइंटिस्ट हु फाउंड आउट दिस पर्टिकुलर फैक्टर विच इज स्पेसिफाइड बाय यूजिंग अ नोटेशन केवी हियर। सो दिस बार्थ फैक्टर इज 3/3 + V व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द योर पिच लाइन ऑफ द गियर इज लेस दैन 10 m/s। और ये ऑर्डिनरी एंड कमर्शियल कट गियर्स के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा फैक्टर है केवी, जो 6/6 + V है वो 20 m/s से अगर आपका पिच लाइन ऑफ द गियर कम है तो, और अगर आपके गियर्स हॉब्ड एंड जनरेटेड गियर्स हैं तो, एंड अगर आपके गियर प्रेसीजन गियर्स हैं और वेलोसिटी मोर देन 20 m/s है तो आपको यूज़ करना है केवी का वैल्यू है 5.6/5.6 + √V। सो यानी आपके पास ये तीन डिफरेंट वैल्यूज़ है केवी की, जो आप ये डिफरेंट तीन अलग अलग तरह की कंडीशंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, जहाँ पे ये वी जो है वो होगा वेलोसिटी आपका, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय पाई डी एन बाय 60 × 10^3, यानी हमें ये वेलोसिटी चाहिए इन मीटर पर सेकंड, ओके, और देन हम ये पी इफेक्टिव जो यानी इफेक्टिव लोड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर अप्रॉक्सीमेट मेथड। सो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे हम पहले ही टेंजेंशियल फोर्स को मल्टीप्लाई कर चुके हैं बाय के एंड के एम, दिस टू फैक्टर्स, सो जस्ट इसको डिवाइड करना है बाय के वी, तो आपको मिल जाएगा पी इफेक्टिव, इफेक्टिव लोड एक्टिंग ऑन अ गियर टूथ, ओके, दिस इज क्लियर। दैट सिंपली आपको क्या करना है, के एम और मल्टीप्लाई बाय टेंजेंशियल फोर्स पी टी डिवाइड बाय के वी करना है। सो के वी से डिवाइड करने से ही आपको इफेक्टिव लोड आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि दूसरी मेथड जो एग्जैक्ट मेथड है, जिसे हम कहते हैं कि प्रेसाइज एस्टिमेशन ऑफ डायनामिक लोड बाय बकिंगहम इक्वेशन, उससे हम कैसे निकाल सकते हैं इफेक्टिव लोड। सो इफेक्टिव लोड हियर इज इक्वल टू स्टैटिक फोर्स दैट इज पीटी मैक्स प्लस डायनामिक फोर्स पीडी। तो वहाँ पे हमने स्टैटिक फोर्स को सिर्फ डिवाइड किया था केवी से, तो हमें डायनामिक लोड का इफेक्ट आता था और पी इफेक्ट टोटल मिल गया था। यहाँ पे हमें डायनामिक फोर्स सेपरेटली निकालना है, दैट इज नोटेड बाय पीडी। And this PD is given by 21V into in bracket BC plus PT max upon 21V plus in under root BC plus PT max. And here nothing but a tangential force hai aapka. Okay, PT max here. Yeah. So this is nothing but for this work here. Where C, abhi agar hum dekhenge yahan pe jo jo terms hai. So 21 to constant hai, V is velocity in meter per second, B is the face width in mm. Okay, now C is the deformation factor in Newton per mm. Okay, this C can be given by K into E upon Eg into Ep upon Ep plus Eg, that is in, these are capital Ep Eg and this is small e. So where K का वैल्यू अगर हम 20 डिग्री पर ट्रायंगल यूज़ करते हैं तो उसके लिए K का वैल्यू है 0.111, ओके, और E जो है वो एरर ऑन द टूथ प्रोफाइल, जो माइक्रोन्स में होते हैं हमें यहाँ पे mm में कन्वर्ट करना होता है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द एरर ऑन पिनियन एंड एरर ऑन गियर, यू हैव टू सम दिस टोटल एरर एंड यू हैव टू यूटिलाइज दिस टोटल वैल्यू ऑफ एरर हियर, दैट इज Ep plus Eg, और ये कैपिटल Ep Eg जो है आपके मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटीज है। सो दिस के फैक्टर डिपेंड्स ऑन द टूथ फॉर्म दैट वी हैव सीन हियर। बाद में हमने देखा कि ई पी और ई जी जो है एरर ऑन पिनियन एंड गियर है, स्मॉल ई पी सी जी एंड कैपिटल ई पी ई जी आर द मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी पिनियन एंड गियर, ओके। तो अभी हमने देखा कि बीम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, वियर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, और उसके बाद इफेक्टिव लोड कैसे निकालते हैं, और अभी हम देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन इक्वेशन क्या है, सेफ डिज़ाइन सेफ होने के लिए इक्वेशन क्या है। तो वो हमारा डिज़ाइन इक्वेशन
लॉजिक पर आधारित है कि हमारा जो बीम स्ट्रेंथ है या फिर वियर स्ट्रेंथ है वो दोनों ही ज़्यादा होने चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर दैन द इफेक्टिव टेंशन लोड, तो फिर वो फेलियर नहीं होगा। सो यू कैन सी हियर फॉर सेफ डिजाइन द बीम स्ट्रेंथ एंड द गियर स्ट्रेंथ ऑफ द गियर शुड बी ग्रेटर दैन द इफेक्टिव टेंशन लोड एक्टिंग ऑन गियर टू। सो हैंस इक्वेट द मिनिमम ऑफ एफ बी और एफ डब्ल्यू, और यू कैन से इट इज़ एस बी और एस डब्ल्यू, यानी कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं आप एफ बी या एफ डब्ल्यू या फिर एस डब्ल्यू एंड एस एस बी, ओके, विद द प्रोडक्ट ऑफ एस पी इफेक्टिव और एफ इफेक्टिव एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो आई विल राइट द इक्वेशन एज पी इफेक्टिव इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ एस बी और एस डब्ल्यू। सो बीम स्ट्रेंथ या फिर वियर स्ट्रेंथ दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको इक्वेट करना है प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन अ गियर टूथ मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो इससे अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो जो भी आपका गियर बनेगा डेफिनेटली वो सेफ गियर होगा। सो नॉर्मल वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5 to 2 फॉर मोस्ट ऑफ द गियर्स, बट अगर आपका बहुत ही क्रिटिकल गियर एप्लीकेशन है तो वो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द मेन इक्वेशन फॉर डिजाइनिंग स्पर गियर्स। सो हियर वी विल स्टॉप।